नमस्कार बच्चों, कल हमने आपको विलस्य वाणी कदापि न श्रोतावा का जो करवाया था, हमने उसकी आपको पाठ का सार करवाया और हमने आपको ये भी बताया था कि यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है पंचतंत्र की कहानियों से। आप में एक क्वेश्चन आता है कि कहानी का सार आप अपने शब्दों में लिखें, कहानी का सार आप अपने शब्दों में लिखें, तो आपको कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। अगर आ जाए ये वाली कहानी तो आप ऐसे बोलेंगे, किसी वन में एक खर नखर नाम का एक शेर रहता था। वह एक दिन घूमते घूमते जब वह भूख से व्याकुल था तो भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा था। छिपने के लिए उसको कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। घूमते घूमते वह एक गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा के अंदर शाम को कोई भी इस गुफा के अंदर आएगा तो मैं गुफा के अंदर छुप जाता हूँ और मैं उसको खा लूँगा, वो मेरा भोजन बन जाएगा। तो वो चुपचाप गुफा के अंदर चला जाता है। इसी बीच में उस गुफा का जो स्वामी होता है दधीपुच, क्या नाम होता है, दधीपुच नाम का गीदड़ आ जाता है वहाँ पर। वहाँ दधीपुच आ जाता है और वहाँ देखता है कि उसे शेर के पंजों के निशान जाते हुए तो दिखाई दिए लेकिन आते हुए दिखाई नहीं दिए। तो गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, अगर मैं इस बिल में चला जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। उस वो ऐसा सोचता है कि मैं क्या करूं। वह बहुत देर तक ये सोचता रहा कि मैं क्या करूं। फिर ऐसा सोचकर वो दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर देता है, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैं सुबह तुम्हारे गुफा से निकला था तो हमने वादा किया था, शर्त लगाई थी, समझौता किया था कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी। अब मैं गुफा के बाहर खड़ा हूँ और तुम मुझे बुला भी नहीं रही हो, क्या तुम चाहती नहीं हो कि मैं अंदर आऊँ। शेर ने जब यह बात सुनी तो ये शेर सोचने लगा यह सुनकर कि वह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, क्या ये गुफा ऐसी है कि अपने मालिक को बुलाती है, तो शायद ये मेरे डर से बुला नहीं रही है। कहते हैं कि जब इंसान भय में होता है, डरा हुआ होता है, तो उसके हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं। तो इस गुफा का भी यही हाल हो रहा है कि वो मेरे डर से कुछ बोल नहीं पा रही है। और ठीक कहते हैं कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर में होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से चलती नहीं है, इसलिए गुफा भी मेरी आवाज़ से डर गई, तो मैं ही पुकारता हूँ। अब गुफा से तो बोला नहीं जा रहा तो मैं ही पुकारता हूँ, इस तरह बिल में प्रवेश करके वे मेरा भोजन बन जाएगा और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। यह सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। जैसे ही शेर ने आवाज़ लगाई तो शेर की गर्जना से पूरी गुफा की जो गूंज, जो प्रतिध्वनि कहते हैं जिसको हम, वो पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर कर व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए एक जगह दूर चला गया और डर के मारे उसके मुँह से जो शब्द निकले वो उसको श्लोक के रूप में बोलने लग गया। कहते हैं जो व्यक्ति, शिक्षा भी हम कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, गीदड़ के मुंह से जो अंतिम समय श्लोक निकले वो शिक्षा भी है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो आने वाले कल का, आने वाली समस्याओं का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, आने वाले कल का जो उपाय नहीं करता वह अपना समय खुद बर्बाद कर देता है, वह दुखी होता है और कोई उपाय नहीं करता। मुझे यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आने वाले समय को सुधारना चाहिए और हर संकट के समय अपना आपा नहीं खोना चाहिए, हमें सोच समझकर काम करने चाहिए। यह कहानी आप अपने शब्दों में लिखोगे और याद करोगे और मुझे लिखकर दिखाओगे अपनी कॉपी में, आपको ये कहानी लिखनी है जैसे मैंने अपने शब्दों में बोली है आपको भी। व्याख्या अलग है, जो व्याख्या का आपका आएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और कहानी अलग है, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए। और अब पाठ पहले के जो कोई एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेज दूँगी।